सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं किठाणा कैथल में। और आपने बता दे कि आड़त जीवन चक्कर रखा 95 साल की दादी मल्लो देवी का, जो कि स्वर्गीय धर्मपत्नी बदलू राम की पत्नी है, और उनका आड़त जीवन चक्कर रखा। तो आप देखोगे कि पूरा बड़ा टेंट लगा रखा है, और सबसे पहले आपने दिखा दे कि कितना बड़ा हुक्का दर रखा जमींदार का, और यो शाही हुक्का है पूरा बड़ा काठ का बनाया होया और पीतल का बनाया होया। तो देखो इतना बड़ा उकाड़ा दर रखा। और नुको है भी जो चेला के गांव है ना, क्योंकि दादी चेला में बह रखी है, तो चेला के जितने गांव है सारे बुला रखे हैं। तो बाकी पूछांगे कितने गांव बुला रखे हैं, गांव का पूरे गांव का नुंदा है, 36 बिरादरी बुला रखी है। तो इन बात करेंगे, अड़ा दादा ताऊ और हैं सारे आ रहे हैं, और दादी तभी मिलवाओगे अपने की दो जो दादी 95 साल की हो रही, जिसका जीवन चक्कर रखा नुका आग्रह। अगर बहुत सारे तो मरे पीछे करते हैं, लेकिन मरे पीछे दादी अर ने के बेरा पट्टा कौन आया कौन गया, जो भी मेला होया करो वो जीमते जी का मेला हुआ है। तो इस जीमते जी के मेले में है आज दादी का जीवन चक्कर आ गया है। तो अड़ बात करेंगे, राम राम ताऊ। के नाम है ताऊ? गजे सिंह। दादी का जीवन चक्कर रखा है 95 साल की होगी मेरी दादी। 95 साल की। 95 साल की। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उस तक 86 साल की। अरे देखो मतलब आपने बहुत दिखेंगे आज के टाइम, अगर बात करें ना धोती कुर्ता खंडवे वाले बहुत कम दिखा है, लेकिन आड़ा खूब आ रहे हैं सारे, तो बात करके जाएंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? ठीक है। तो आपका नाम क्या सर? मेरा शुभ नाम अनूप चहल है जी, गांव किठाणा है, मैं दौलतिया परिवार से हूँ। अच्छा। हाँ जी। दादी के अलग आपकी? दादी ने जी हमारी ताई जी है। अच्छा, ताई जी है। मेरी ताई जी श्रीमती मल्लो देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय बदलू राम। तो आज आपने जीवन चक्कर रखा दादी का है, तो न्यू बताओ कितने गांव बुला रखे हैं? 150 गांव है जी हमारे चहल परिवार, जो चहल खाप है जो। हाँ, 150 का 150 में निमंत्रण है जी। 21 गांव जो है जी अपना, जो 12 है जी तपत हुआ के नाम से है जो, उसके सभी गांवों में वहाँ से इनवाइट है जी। और 4 गांव अपने यहाँ आसपास के हैं जी, एक तो डांडा खेड़ी है जी, एक बुल्ला खेड़ी है जी, एक किठाणा हो गया जी, और एक रेड़ा माजरा है जी। तो 4 गांव में नहीं जी, कूड़ी पता का नहीं होता जी। गांव में प्रत्येक परिवार से एक कोटी पता का हो गया जी, और पूरा चहल परिवार का 16 नौ का जी। मतलब पूरे गांव में तो 36 बिरादरी। हाँ, 36 बिरादरी का जी। और चैलना का जितने भी गांव है नहीं, सभी जगह थे। और जितना हमारा भाईचारा जी, जो डांडा हो गया, चैल है, पुनिया कोई भी है, अपने से संपर्क रखना है, जो खाप प्रधान है, सभी को निमंत्रण दिया हुआ है जी, सभी आएंगे जी। मतलब 150 गांव आ रहे हैं चैल। हाँ, 150 गांव तो चैल होंगे जी। बाकी जो हमारा भाईचारा जिस तरह गाँव किठाणा में डांडे भी है, उनसे भी संपर्क है, उनके जो रिलेटिव है, जो डांडा खाप है, सब बुला रखे हैं जी। राम राम सर। राम राम। रणधीर। तो आप केला गो दादी के? बेटा हूँ छोटा। तो देखो अनुका आगरा मतलब मरे पास तो बहुत लोग करते हैं, पर अनुका आगरा जीमते जी का मेला हुआ है जो हुआ है। तो आज दादी दौरा इतने दूर दूर की आओगे, दादी ने फेटेंगे, मेरे ख्याल तक घने दिन हो गए, वे भी लोग आ जाएंगे आज फेटने खाते। हाँ, सारे आएंगे। तो क्यों कर जीम आई है दादी का जीवन चक्कर दिया? बस बच्चे ने बोल दिया दादी का जीवन चक्कर दिया, बच्चे ने कह दिया जमा खुश हम खा सारे भाई खुश। हाँ, जीवन जग बढ़िया तो जूंदी ने जिम में देखा है, बाल है, बुढ़िया बैठी है 95 साल की, बैठी और देख भी तो फोटो ली उसके। इतने गई भी नहीं पब्लिक, आज पब्लिक दे रही है। कितना परिवार हो रहा है तेरी दादी आगे? 7 तो बेटे है, और आगे फिर बेटिया के बेटे घाटे नहीं भी, पर हाँ पड़पोते भी है। हाँ, पड़पोते हाँ, मौज से मौज में कोई कसर नहीं जी। एक पड़पोता है जो विदेश भी जा रहा है जी। हाँ, सबसे बड़ा है भाई अपना मेवाराम, उसका लड़का है जी बड़ा कुलवीर चहल। हाँ, उसका लड़का आगे 4थी पीढ़ी है जो, मतलब ताई की जी, उसका ताई का पड़पोता है जो विदेश भेज रखा जी, अभी 4-5 महीने पहले गया जी। दादी दादी 95 साल की हो रही है, 95 साल की उम्र में भी आप देखोगे ना दादी पूरी तंदुरुस्त
है और बोलना ठीक है, चने वर्गी सही कहा है, चने वर्गी पड़ी है, कती फुर्ती है पूरी मेरी दादी, मैं काम कुम भी कर लेती हूँ। हाँ अपने आप टहले फिर जी, कोई दिक्कत नहीं जी, कहीं जाना जाना हो बस एक दो बच्चन लेकर चले जाओ जी, घनी तगड़ी है। अरे दादा का फोटो लग रहा है, देख ले दादा भी बछेरा वर्गा था, दादी भी सी, हाँ दादा गुणा माड़ा था। अच्छा राम राम। राम राम। के नाम दा? शाबा नाम से जी। आप भी अड़े ते हो? गांव बड़ौदा। बड़ौदा ता रहे हो? बड़ौदा ता रहे। बड़ौदा ता रहे। बड़ौदा बड़ा गांव है। बड़ा गांव है। उड़े ते प्रधान बड़ा चला। हां हां। आज गुड बेटे। ते चल पड़ांगे। चल चलेंगे। तद दा केक होगे जो मेरी दादी का जीवन चक्कर रखा है। उस चीज वो तो अमर होगी। अमर होगी बात। बड़का ना इतना बड़ा काम कर रहा है। हां खूब है, जल्द खोल के बाग वाली से। बिना बाग लगदे कोई निकड़ियां पीछा। अरे सब क्या है कि मौज है। बड़ा काम है, बड़ौदा थैलांगा बड़ा काम। बड़ा गांव है। तो जो प्रधान है ना बड़ौदा, तो उन तभी बात करेंगे एक बारी, चलो उड़े कर लेंगे। अरे चारों तरफ खड़े हैं, पूरे बड़ा ओका है, एक वो गुट ने उन मार ले हैं, एक वो न्यून यो भाईचारा है। राम राम प्रधान जी। बेबे राम राम गुड्डो। क्या नाम है प्रधान जी? बलवीर सिंह चहल, गांव बड़ौदा गांव है जी, आल हरियाणा चहल खाप का प्रतिनिधि चौकीदार। जिम्मेदारी तो जी जो कोई निभाव, अगर की भी बहुत बड़ी हो रही तो समाज की, समाज इतना बड़ा समाज, ये तो बहुत बड़ा समाज है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी बड़ी नहीं होती, सहयोग भी इतना ही है हमने। सही बात है। आज के हो गए प्रधान जी, मतलब बड़ा जीवन चक्कर रखा दादी का। आज इसके पाछे न्यू कहवांगे जी, बस इसे से चाह में तो हमें जुंदे रहवांगे। ब्याह तो मजबूरी का है, यू चाह का है, शादी तो मजबूरी है, बच्चे ने घर से भेजना, लड़की हो या लड़का हो। लेकिन जो ये कार्यक्रम करे है जिसकी मेवा सिंह और नहीं राम करोर ने, ये एक महानता है, एक समाज का प्रेशर नहीं था इनके ऊपर, इनके अंदर में चाव था कि हमारे बुजुर्ग ने बहुत कुछ दिया हमारे को, और इनको उस प्यार में केवा हम सारे भाईचारा को इकट्ठा करा, और खाना खातर कोई नहीं आ रहा, प्यार से आ रहे हैं, और ना जिस समाज में भूखा नहीं है, आज तो अपने सब कुत्ते छिके सारे अरे एक के घर पे, लेकिन जो समाज इकट्ठा करे ये बहुत बड़ा श्रेय है, परे और जो मृतक भोज करे जी हम उससे खिलाफ भी हैं, और ये जीवन जग है नहीं, जो जीवित बुजुर्ग का भोज दे रहे हैं, इसमें चाव है, ये एक रुपया खर्च करेगा, ये परिवार का है पैसा तो, और इसमें पूरा रुपया का रुपया ही यूज होगा, और मरने के बाद जो जैसे लगाव हैं वो 70 पीछे यूज हुआ है, जिसको मजबूरी है अपने आपको जम्मा बिल्कुल अलाचार समझे परिवार से ना नहीं कर सकता, वही आदमी आओ नहीं आता नहीं जी, उस समय हर कोई टलन की कोशिश करे, जैसे बच्चा भेज दिया या बुजुर्ग भेज दिया, इब तो देखो रंगत सारे परिवार पर कितना चाव है। हाँ जी पूरी चहल पहल हो रही है, ठीक है नहीं, पहल तो होगी। ये रामकिशन जोड़ी है जी हमारे, हाँ जी संरक्षक है जी हमारे, चार प्रधान से भी ऊंचे है, प्रताप सिंह गुणा, रामकृष्ण मास्टर जोड़ी, ओम प्रकाश निमड़ी और रदाना से सूरजमल, से ताऊ कड़ा पाओगे आने वाले टाइम में। हाँ जी थोड़ी थोड़ी जी डोर डट जे बे ताऊ तो रो जेंगे, लेकिन ताऊ मेरा है विचार को नहीं पांदे इन वाले ना, ताऊ तो हो जाएंगे, पर एक तो अगली आने वाली पीढ़ी इतनी उम्र पकड़ती है नहीं है, और दूसरी ये धोती कुर्ता खंडवा नहीं पाती, हां यूं को नहीं पांदे, ठीक नाम के गुड़िया से ताऊ को पाओ को, मेरा प्रियंका है, प्रियंका है कौन से, अच्छा प्रियंका कोला कोहाड़े, तो देखो एक दादी का जीवन चक्कर रखा है, जो भी आओगा दादी ने फेट के जाओगा, दादी ने भी बेरा पटेगा, और मरे पाछे तो के करया के नहीं करया किसने ना, मरे पाछे तो करना भी नहीं चाहिए एक्चुअल में तो ना, मेरा जी को नहीं जी इस बात में, मतलब ये अच्छा है सब, पूरा प्यार से आना, पूरे प्यार से जुड़ना, ये बहुत ऊंची बात है, मरने के बाद अच्छा नहीं होता। ये बरातरि चौ का जो है ना एक मिसाल है, भाईचारा क्या होता है, अपनापन क्या होता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून पानी से गाढ़ा होता है, और उस खून का जो है ना कितना स्नेह, कितना अफेक्शन, कितना अट्रैक्शन, कितनी डेमरिंग फीलिंग, वो सब जो है ना यहाँ दर्शाता है, क्योंकि समय बदल गया है, जमाना बदल गया है, इसके अंदर जो ना हर भाषा की जो ना शब्दों का समावेश हो गया है, लेकिन हमारी लोकल भाषा में जो प्रेम प्रीत और जो होया करती, पुरानी संस्कृति जो होया करती, वो यहाँ आपको दिखाई देगी, और इस बार नसारा ने मिलेगा, इस बार नसारा मौका तो मिलेगा, वो तो जोड़ने के लिए तो है सब कुछ यहाँ जी, ना केवल चहल चहल जी, सारे आसपास के गांव भी है,
हम गोद से कोई बंधे हुए नहीं, इस बात से ये तो भाईचारे को जोड़ने जिसकी मोर लग गई जी, एक स्कूल का विद्यार्थी वो सारा देश के लिए होता है, खिलाड़ियों से शिक्षा अव्वल हो, मतलब वो सबके लिए जी, ये बुढ़िया तो सबके लिए थी, इतना कट करवाया, ये बाग बिना नहीं होता, आपने घर का बच्चा भी एक गिलास पानी का बिन लेता, अरे इस बुजुर्ग के कारण कि इतना भाईचारा इकट्ठा हो गया, सारे आसपास के गांव बहुत इकट्ठे हो गए, गोत जैसे डांडा के हैं पूरा सहयोग दे रखा है, दो गोता का गांव है ये डांडा और चैल का, लेकिन चैल से भी बढ़कर डांडे सहयोग कर रहे हैं। हाँ जी, तो इस बहाने सब न मिलने का मौका मिल जाए, भाईचारा बढ़ा है, आपस में प्यार प्रेम बढ़ा है। राम राम राम। उदय सिंह, इसीलिए हमारा सारा भाईचारा रात भर के भी सारे आस पास के भी सारे इकट्ठे करे हैं, तालमेल सा रह दे, आवाज आवी रह दे, जैन पछाड़ो है आगे बढ़ चढ़ के बाल चल रहे हैं, इस करके सारा परिवार की काप खाप की हमारी चहल की सारे जो करे यो प्यार प्रेम चल रहा है। सबसे पहले तो किठाणा गांव में प्रियंका कुहाड़ का बहुत बहुत स्वागत, किठाणा के चारों गांवों की तरफ से, प्रदेश की चालखाप की तरफ से, और यहां के बड़े गांव बड़ौदा खासतौर से मिर्जपुर दोनों गांवों की तरफ से विशेष स्वागत है। आज जैसे प्रोग्राम में जैसे ये ताई कमारा हो रहा है यहां पे, इसकी उम्र 95 के लगभग है, और लोग आम भाषा में कहते हैं कि दवाएं काम नहीं करती, दुआएं काम करती हैं, वैसे तंदुरुस्त है बुढ़िया, फिर भी इतने लोग जो बाहर से आए हैं, 150 से ज़्यादा गांवों के चहल लोग आए हैं, 20-21 गांवों के 12 के थोतापा 12 हमारा वो लोग आए हैं, मिर्जपुर और बड़ौदा के हमारे बड़े गांव में वो लोग आए हैं, इनकी जो भावनाएँ हैं, इनकी जो दुआएं हैं, हो सकता है 95 साल और बुढ़िया हमारी आज है, और इन फीलिंग से हम भी 90-95 तो हम भी सारे ले लें बुजुर्ग। हाँ, और इस प्रकार की परंपराएँ हैं ना जो, वो आपस में कई बार आदमी सगा ब्याह में नहीं जाता, लेकिन इस प्रकार की परंपराओं में एक बुजुर्ग के भाग से वो इकट्ठे हो जाते हैं, ये फीलिंग है ना जो भाईचारा को प्रदर्शित करती है, भाईचारा का इंडिकेशन है ये, इसलिए मैं आपका खास तौर से यूँ स्वागत करूंगा, जैसे इस प्रकार के प्रोग्राम में जहाँ पे भाईचारा एक मिसाल बन के उभरा हो, वहाँ पे प्रियंका को हल्की हुई हाजिरी हो और इस बात का प्रसार हो, ताकि और गाँव में और खपों में भी इसी प्रकार का भाईचारा बना रहे। मैं दोबारा से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रियंका कुहाड़ जी आपका, और हमने भी देखो मारा भी सौभाग्य है कि इतने दादार ताऊ और मिलन का मौका मिलने लग रहा है। राम राम ताऊ। राम राम। ये चंद्र चैल, मैं चंद्र चैल उजाणा। उजाणा से? हाँ जी। तो आज पहुंचे हो किठाणा में? हाँ जी। उजाणा ते तो मतलब देखो एक यो सा मौका है अकाड़ पहुंच गए सारे इस बहाने ते, ऊ तो शायद के बरा कितने दिन मिले हो जाए, तो के कहोगे? मैं तो यही कहूंगा भी कि ये जो परंपरा कायम करी हुई है ना हमारे बरादरी ने, ये जीवित रहे, आने वाली पीढ़ी भी इसका अनुसरण करे, क्योंकि इससे मान दो दो साल हो जाए मिले, अब मिल लिया हाँ, कोई बूढ़े हैं जिस तरह मैंने कदे टूड़क जगह कलना है, उनकी कम से कम याददाश्त तो रहे, देखे भाई हमारा बूढ़ा था, हमारा ये चीज़ था, ये बड़ी अच्छी शुरुआत है, और मैं तो इसमें योगदान सबसे ज़्यादा तो मैं इस भाई का ही दूँगा, दलबीर वकील का, इन्होंने अपने और अथक मेहनत करके ये काम को पूरा किया, और आगे जो पीढ़ी है उसको चला रही है, अच्छा है। इसके साथ साथ हमारा एक प्रोग्राम और है, साल में एक बार सारा भाईचारा का जो हमारी उच्च प्रतिभाएं हैं जो उभर कर आती हैं समाज में, शिक्षा का क्षेत्र है या कोई नौकरी पेशा का क्षेत्र है, जैसे IAS है, IPS है या कोई मिलिट्री का वो है, तो उन हम सारे के सारे सम्मानित करें सारा भाईचारा, इसी तरह जिस तरह भाग आने वाला जो हमारा प्रोग्राम है वो गाँव गुणा में होगा, पहले ही प्रस्तावित कर दें जो फंक्शन है उसी में अगली डेट रख जाएँ, वहाँ फिर इकट्ठे होंगे, वहाँ फिर सारे अपने बच्चे ने आशीर्वाद देंगे, कहाँ भैया अपना अच्छा काम करो, अच्छी राह पकड़ो। अच्छा तो ऊपर है मतलब टुड़के पाछा तो सारे आ जाए अगर को डनवाने, पर बात तो जीमते जी आने जीमते जी है, कम से कम जो मेरी ताई के उसमें वो तो देखेगी, मेरा परिवार कितना बड़ा है, कोने कोने से हम आवेंगे, उसने पता लगेगा, हम ताई का आशीर्वाद लेंगे, अपनी बात भी रखेंगे, और देने के तुम्हारे पास कुछ नहीं, उन्हीं पे जो कुछ लेना तो बुढ़ों से हमने, यही है, सही बात है, इतने ताऊ आ रहे हैं, खाना मन तो रख दी बात अपनी, खाना भी ले लियो, कौन से गांव से आया है? हाँ जब बढ़िया मौजा मौजा, कौन से गांव से आया ताऊ? रदाना। रदाना। हाँ ये नाम है ताऊ?
रसीराम। रसीराम है। हाँ। तो आज तो जीवन तक में पहुंच रहे हो। हाँ जी। उम्र कितनी होगी? उम्र तो होगी 80 की। 80 की। हाँ। देखो तो बेरा है ये, मतलब ये बुजुर्ग है जो इतनी उम्र पकड़ रहे हैं, आने वाले बालक नहीं पकड़ते। देखो बेबे हम क्यों कर हम अपने मुंह तो न्यू को नहीं पकड़ते, हम तो न्यू का मालिक मालिक और बता देखिए बेरा अपन है आपने खा रखे देसी घी मलाई तर तर खा रखी कटोरिया की बता। हाँ कोई बात नहीं बेबे खा रखे तो हमने हट बहुत पहले हैं ईब से को न्यू के ईब से को न्यू का जो के कर रहा ईब खाओ पिज्जा बर्गर है। हाँ 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 नाम तो सड़ा सर की शायद हो भी ईब ज्यादा आ गया एक दड़ी घी पकड़ा दें क्या मिला दो। हाँ हाँ डॉक्टर का जो घी ना खाइए और क्या खाओ रहे और जगह इंजरी सूखा नाज बोले मारोगे लग दरो। हाँ बंद कर दिया था मारोगे बोले मर जाएगा मरना था सही एक दिन खा के मरा है नहीं मरते भाई। हाँ तड़प के नहीं मरते खा के मरा है टेम आओगा तो मरा है नहीं जिंदगी जिसने कोई हल्ला नहीं। हाँ ना बेबे की खाओ हमसे भी आ जा ताऊ आ जा इसकी खुशी में आ रहे हम ही और भी है मेरे तो दो तीन और बड़े हैं बड़ा आज मम्मी के जीवन जग मारे हो तो। हाँ बड़ा फूल माला तो सजावट किया मम्मी का स्वागत। अच्छा हाँ बतानी भी चाहिए तो देखो आज तो आड़ा जी लग गया है सारे के चक्कर देकर दादा ताऊ और आपने दिखा गया है। अच्छा यो बड़ा बेटा है और ये राजा ताऊ तो यो है दादी का बड़ा बेटा ताऊ के नाम है मेवा सिंह मेवा तो आप दादी के बड़े बेटे हो। हाँ जी तो यो है दादी का बड़ा बेटा है देख लो धोती कुर्ता पहन रहा ताऊ भी यार कितने वास्ते चिट्टा हो रहा है। मैं चिट्टे तो सदा रह नहीं हूँ मार ना सारे पूछे मेरे बाबू उठ मेरे दादू भी नहीं रहेगा चिट्टे तो लड्डू है जी। हाँ हाँ ये बड़े बूढ़े भी नहीं रहेगा अगर ताऊ लड्डू आप पैर उठ रहे आज ना पांच सदा नहीं उठा है पांच तो बुला ले जू नहीं उठेगा पहले आदमी हम पूरी फुर्ती है ओ फुर्ती ने खाए हैं माल मूल। आपकी उम्र कितनी होगी ताऊ? 70 तो ऊपर निकल गया बेबे 70 ऊपर हो गया। तो देख लो यो दादी का बड़ा बेटा है 70 तो ऊपर हो लिया और दादी होगी 95 साल की और आड़ आज जी लग गया है कि चहल पहल पूरी हो रही है और पूरे दादा ताऊ और की तो एक छोटा है यो बड़ा है तो आप अंदाजा लगा सको कि दादी 52 साल तो दादी से भी बात करेंगे और आपका क्या कहना है जरूर बताइयो कि जिस प्रकार से दादी का 95 साल की उम्र में जीवन जग कर रखा बेनु का अगर जीम ते जी का मेला है मरे पाछे कौन किसने देख रहा है और कौन कड़े जा रहा है तो ये जीम ते जी के मेले में आपका क्या कहना है जरूर बताइयो और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि समाज में अच्छा मैसेज जावे भी किस प्रकार से इन्हें जीवन जग कर रखा है और दादी से भी आपने मिलवाएंगे।